गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे और फेस्टिव सीजन एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं क्या कर रही हूँ आज, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि ना आज हमारे घर पे आ रही है मूर्ति, जो हनुमान जी की मूर्तियाँ निकलती है। और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखो मैं ये बादाम कट कर रही हूँ और मैं यहाँ पर प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। और प्रसाद में क्या बना रहे हैं, दूध बना रहे हैं, सौंफ, इलायची और बादाम वाला ना दूध बना रहे हैं, और उसकी प्रिपरेशन चल रही है। सो मिलते हैं फटाफट से, ये बादाम मैं कट कर लूँ, देर हो रही है। और हाँ, मैं शाम से व्लॉग शुरू कर रही हूँ, 6 बजने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स, और कैसे कैसे क्या होगा, कैसे होता है, मतलब मूर्ति आती है क्या होती है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं ज़रूर शूट करूँगा। और ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये दरवाजे की आवाज़ आ रही है, धाना बाहर जा रहा है और ऐसे करके छोड़ देती है दरवाज़ा, और वो एकदम से ऐसे आता है। अब देखो वो उधर चली गई है, अब उधर की भी आवाज़ आएगी। चलिए भाई, जल्दी से मैं कर लेती हूँ, छोटा सा व्लॉग बनाऊँगी मैं आज का। और फर्स्ट टाइम आ रही है हमारे घर पर, तो आई एम सो एक्साइटेड। और अभी ना मैं नहा धो के आई थी दोबारा से, तो इसलिए नो बिंदी नो लिपस्टिक, बस ऐसे ही बैठी हूँ। फटाफट प्रसाद की तैयारी करके फिर फटाफट से चेंज कर लेते हैं। चलिए भाई, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, मैंने तैयारी कर ली है, प्रिपरेशन कर लिया। ये सारे मैंने बादाम कट करके रख लिए हैं, इधर तुलसी रख लिया ये दूध में डालने के लिए, और इधर क्या रखा है, इधर इलायची पाउडर पीस के रख लिया, थोड़ी सी चीनी डाल के, और इसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया। और इधर हो रहा दूध बॉयल। और बेसिकली तो सुबह दूध लिया था मैंने, बट दूध जो हमारा दूध वाला है ना उससे लिया था, और उसके पास थोड़ा दूध था कम, क्योंकि हम उसको कल नहीं बताया था, हमने एकदम से हमारा प्रोग्राम बनाया ना सुबह ही भी क्या करना है क्या नहीं। सो वो 7 kg आई थिंक दूध दे गया था, सो थोड़ा सा और मंगाया था। इधर भी बॉयल करके रखा हुआ दूध, इधर भी बॉयल हो रहा है दूध, ये सारा कुछ मिक्स कर दूँगी, क्योंकि ये बाद में आया था ना दूध, तो मैं इसको अलग से बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि ना फिर वो वाले दूध में मिक्स करके बॉयल कर दूँ और कभी ख़राब हो जाए तो फिर सारा दूध ख़राब हो जाएगा, तो ये वाला बॉयल कर दिया। और बड़े पतीले के अंदर मैं लास्ट में बस, अब देखो कितने बजे आती है मूर्ति, जितने बजे भी आएगी फिर उससे थोड़ी देर पहले इसके पापा मुझे बता देंगे, धनी के पापा, क्योंकि वो उनके साथ ही जाते हैं ना, तो वो मुझे बता देंगे, तो मैं दूध बॉयल करना रख दूँगी। अभी मैं ना अलग से थोड़े से पानी के अंदर ना ये जो है क्या कहते हैं इसको, तुलसी और वो डाल के रख दूँगी सौंफ, और फिर उसको तो पानी में स्ट्रेन कर लूँगी, बट जो इलायची पाउडर है वो मैं वैसे ही उसके अंदर बॉईल करने में डाल दूँगी, क्योंकि इलायची तो सब लोग खा ही लेते हैं, है ना। तो चलिए भाई, जल्दी से कर लेते हैं प्रिपरेशन और फटाफट से रेडी हो जाते हैं, आई एम सो एक्साइटेड। तैयारियाँ हो चुकी हैं, बट अभी थोड़ा सा टाइम है आने में, मैं आपको दिखा दूँ। दूध बॉईल करने के लिए भी मैंने इसमें सौंफ, इलायची, बादाम सब कुछ डाल दिया, और बस बॉईल करने के लिए रख दिया। 2-4 बॉयल्स आ जाएंगे, अच्छे से फ्लेवर इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पर हमने मटर भी मंगा लिए हैं, और क्या मंगाया है, मिठाई का डब्बा भी मंगा लिया है, और बस यही थी तैयारी। अभी बस वेट है कि जल्दी से बस आ जाएँ, और हम रेडी भी होना है मैंने, बट अभी मैंने धानी के पापा को बोल दिया कि आप जा रहे हो उनके साथ तो पता चल ही जाएगा कि किस टाइम आना, तो थोड़ी देर पहले बता देना, हम रेडी हो जाएंगे। धानी चले गए अपने पापा के साथ कुर्ता पजामा पहन के, वो भी दोनों सेम करके, और यहाँ बिल्कुल ही खाली कर दिया मैंने यहाँ पर, ये इधर भी देखो बिल्कुल ही। हम जा रहे हैं, पहले हमारे घर से पहले आ रही है चारों सिद्धि के घर मूर्ति, सो हम जा रहे हैं, फटाफट में रेडी हो गई थी, सो मिलते हैं वहाँ पर, बाय बाय। सो गाइस, वहाँ गए थे तो सबसे पहले निशा भाभी का बर्थडे था, तो वो सेलिब्रेट किया, केक कट किया, उसके बाद ये चारों दीदी ने वहाँ पे दरबार लगाया था, बाहर गली में अरेंजमेंट्स किए थे और सारे दरबार लगाया था, ये देखिए।
मूर्ति आगे है और ये सबसे पहले आगे झंडा होता है, उसके बाद ढोल, और यहाँ पर डीजे चल रहा था, इस वजह से मैं ओरिजिनल साउंड नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि डीजे पे सॉन्ग्स चल रहे थे, फॉर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा मेरी वीडियो में, इसलिए मैं नहीं डाल सकती। सो यू कैन एंजॉय विदाउट साउंड, ओरिजिनल साउंड, साउंड तो है विदाउट ओरिजिनल साउंड। तो सबसे आगे अनिल जी जो सब डांस कर रहे हैं, डीजे पे सॉन्ग चलते हैं वैसे इतना डांस करने का मन करता है सब लोगों का, तो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस किया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद थोड़ा सा सत्संग, थोड़ा सा भजन, ये सब इन्होंने भी गाए, अनिल जीजू ने भी गाए, भजन गाए सबने। अभी हम दोनों वेट कर रहे हैं कि हमारे घर भी जल्दी से मूर्ति आए, और यहाँ हमने ऐसे ये दरबार लगा लिया है, और मैंने अभी दिखा दिया है सबको ना, दरबार दिखा दिया, और यहाँ डीजे भी लग गया। तो हाँ जी, जा रहे हो आप लेने? ठीक है, ले आओ आप फटाफट से, आई विल वेट। चलिए भाई जल्दी से, बस अब इंतजार है कि आ जाए जल्दी से, और रात के 2 बजे है। हाँ जी हाँ जी, बोल रहे दरवाज़ा 2 मिनट बंद कर ले। चलिए भाई जल्दी से, दूध गर्म करने रख दिया मैंने, रुकी हुई हूँ। सो बस दरवाज़ा कर दिया अभी बंद, और मैं ये दिखा रही थी, ये देखो जाल भी ना हमने खोल लिया है, क्योंकि मूर्ति का ऐसे वो होता है ना, बड़ा होता है डंडा वगैरह ऊपर, सो ऊपर ढंग से आ जाए। तो बस इंतजार की घड़ियाँ, दिल थाम के बैठिए, आने वाले हैं हमारे घर भगवान जी। चलिए बस वेट है, अभी देखो खाली मैं दिख रही हूँ आपको पूरे घर में, है ना, अकेली मैं। अभी सारा घर भर जाएगा, सारे आएंगे तो ये सारा खाली खाली घर ना भर जाएगा। अभी हमने चारों दीदी के घर इतना डांस किया, इतना डांस किया ना, बहुत ज़्यादा डांस किया, लंगर खाया।
यहाँ पर सबने बहुत सारा डांस किया, सबने बहुत इन्जॉय किया, बिकॉज लास्ट था, बिल्कुल लास्ट घर था हमारा, उसके बाद स्थान पे जानी थी मूर्ति, और उससे पहले आरती की हमने, आरती से पहले प्रसाद सबने ले लिया था, और लास्ट में ये हमने आरती की। गाइस अच्छे से सब कुछ हो गया है और बहुत मज़ा आया, सबने बहुत सारा डांस किया और हम लोग तो पहले बहुत सारा डांस कर चुके थे तो एनर्जी लो हो गई थी, और अभी बच गई है 3 और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। पीछे का नज़ारा देखो, ये सब होगा अब कल साफ, क्योंकि एकदम से नहीं करते ना क्लीनिंग तो, और जाते ही उनके ना बारिश आ गई है, एकदम से ही बारिश आनी शुरू हो गई। सो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और दानू वो बैठा है, वो थोड़ा सा ना डरती है, तो बस प्रसाद लेने आ गई थी थोड़ी देर के लिए बस, सो इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं दिखी और थोड़ी सी वीडियोस में। चारू दीदी के घर तो मैं उसको लेके कर लिया था ना, बट अपने घर पे थोड़ा सा काम होता है, ये देना है वो देना है, ये करना है वो करना है, सो इसलिए मैं उसको गोदी नहीं उठा सकी। बाकी धानी आराम से अंदर बैठी हुई थी, और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप बताना, किसी के लिए ये चीज़ न्यू होगी आई थिंक, कोई किसी किसी को मतलब नहीं देखा होगा किसी ने ये मूर्ति वाला सिस्टम जो भी होता है। सो बहुत ही अच्छा लगा, अब आए साल ऐसे ही हमारे घर पे आए, यही प्रार्थना है भगवान जी से। सो ओके फाइनली बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना है, इसको ही नहीं सबको दिया करो, और बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।